देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एंडोस्कोपी रूम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। एम्स में लगी इस भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए दमकल की कुल 13 गाड़ियां आईं। 11:54 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली है, 11:55 पर इस पर रेस्पॉन्ड हो गया है। टोटल 13 गाड़ियां आई हैं और ये सेकंड फ्लोर पर एंडोस्कोपी के स्टोर में आग थी। किसी को कोई इंजर नहीं है, पूर्ण रूप से आग बुझा दी गई है। 12:50 तक आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। क्या कुछ कारण नहीं पता चल पाया? कारण अभी नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है। नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं, कोई मरीज भी उस वक्त नहीं, वहाँ पर कोई मरीज नहीं था। एंडोस्कोपी रूम में ये आग वहाँ के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बड़ा हादसा होने की आशंका से रूम में मौजूद स्टाफ ने पहले ही सभी लोगों को डिपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल आग को बुझाकर स्थिति को सामान्य किया जा रहा है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा, कितनी फायर टेंडर आई थी? वहाँ तो हम लोग लगभग, जब शॉर्ट सर्किट हुआ था, पहले हल्का सा हुआ था। एंडोस्कोपी वार्ड है, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा। इमरजेंसी में एक पेशेंट को हम लोग वहाँ दिखवाने के लिए गए थे। पहले हल्का सा वो चिंगारी हुआ, दो मतलब वायर थोड़ा सा ही जला हुआ था, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे धुआं लगने लगा। फिर जो भी पेशेंट थे सभी को वो बोले कि आप लोग यहाँ से खाली करके नीचे चला जाइए। जब हम लोग नीचे आए तब तो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो धुआं लग चुका था। क्या लग रहा है कि कोई कैजुअल्टी वगैरह हुई है? नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एम्स के जितने भी डॉक्टर हैं सभी सिंसियर हैं। उन लोगों ने सभी पेशेंट को पहले ही वहाँ से बाहर निकाल लिए थे, कोई हताहत नहीं हुआ, सभी अच्छे हैं। एम्स का एंडोस्कोपी रूम इमरजेंसी वार्ड के ऊपर दूसरे फ्लोर पर बना हुआ है। किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्थिति और अफरा तफरी से बचने के लिए बाकी सभी लोगों को दूसरे मार्गों में डाइवर्ट कर इलाज के लिए अंदर भेजा जा रहा है।